नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद शनिवार को पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने प्रस्ताव पर विचार करने की बात कह दी है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा कि आप हम सबको कहते हैं डरो मत, मैं चाहता हूं कि आप नेता विपक्ष की जिम्मेदारी उठाएं। अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने पर सहमति दे सकते हैं, लेकिन राहुल के सामने लोकसभा में चुनौतियां कम नहीं होंगी। राहुल को इंडिया ब्लॉक में संसद के अंदर एकता बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वहीं सत्ता पर अपने तर्कों से अंकुश लगाने की चुनौती भी उनके सामने होगी। दस साल बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिलने वाला है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। कांग्रेस के संतोषजनक प्रदर्शन से कांग्रेस पूरे जोश में है। जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठी। पार्टी के कई नेताओं ने यह अनुरोध किया। इस पर राहुल ने सोच विचार करने के लिए समय मांगा है। शनिवार सुबह 11 बजे CWC की बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में शुरू हुई। बैठक में सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, वहां वहां पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। राहुल जी इज द बेस्ट पर्सन टू लीड दिस कैंपेन इनसाइड द पार्लियामेंट। दिस इज व्हाट द CWC's व्यू। Though I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect constitution also, should be safe under the leadership of Rahul Gandhiji as a leader of opposition. This is what the CWC resolution. साफ है, कांग्रेस की 99 सीटों पर जीत के बाद राहुल की सियासी छवि मजबूत हुई है। ये राहुल की कामयाबी है कि 10 साल बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल रहा है। दरअसल लोकसभा में पिछले 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें और 2019 में 52 सीटें मिली थी। बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी, फिर भी नेता प्रतिपक्ष बना नहीं पाई। इसकी वजह ये है कि लोकसभा प्रतिपक्ष के पद के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीटों के 10% सीटें होनी चाहिए, यानी कांग्रेस को इसके लिए 54 सांसदों की आवश्यकता थी। लेकिन कांग्रेस के पास 2014 और 2019 में 54 सीटें भी नहीं थी। 2019 में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता बनाए गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तब भी कोई नहीं हो सका था। लेकिन अब 2024 में कांग्रेस के हालात बदले हैं। 99 सीटों के साथ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं, लेकिन राहुल के सामने लोकसभा में चुनौतियां कम नहीं होंगी। राहुल को इंडिया ब्लॉक में संसद के अंदर एकता बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वहीं सत्ता पर अपने तर्कों से अंकुश लगाने की चुनौती भी होगी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल मजबूती से सदन में अपनी बात रख पाएंगे। साथ ही तमाम कमेटी जिसमें नेता प्रतिपक्ष मेंबर होते हैं, उसमें राहुल गांधी रहेंगे। CBI डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए बनाए गए कॉलेजियम हो या फिर CVC, लोकपाल और चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी, इसमें विपक्ष की आवाज मुखर होगी, क्योंकि इन तमाम कमेटियों में पीएम मोदी के साथ नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी भी होंगे और नेता प्रतिपक्ष की वोटिंग अहम होगी।
2019 में जब लोकपाल की नियुक्ति की गई थी तब कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सिलेक्शन कमेटी की बैठक में विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। खड़गे ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और कहा था कि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है और उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं है, ऐसे में वो बैठक में नहीं जाएंगे। लेकिन इस तरह के तमाम विवादों पर अब विराम होगा। अब राहुल नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका में होंगे, ऐसे में संसद में मोदी सरकार पर राहुल गांधी कितना नियंत्रण रख पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो राहुल की भूमिका अब काफी अहम होने जा रही है और इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में हम चर्चा करेंगे। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता तमजीद अहमद जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ TMC के नेता मोहम्मद एहतेशाम उल हक जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पोद्दार जी, डरो मत भागो मत खटाखट खटाखट, इन चुनावों में ये शब्द ऐसे थे जिनको राहुल गांधी ने बोला और आप लोगों ने तुरंत उन शब्दों को लपका और मंच से खूब प्रचार प्रसार किया, राहुल गांधी का खूब मजाक भी उड़ाया। पर अब चुनाव परिणामों में 99 सीट हासिल करने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जोश काफी हाई है। CWC की बैठक में राहुल को लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाए जाने की मांग भी उठी, हालांकि राहुल गांधी ने प्रस्ताव पर विचार करने की बात कह दी है। पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से कहा है कि आप हम सबको कहते हैं डरो मत, अब हम कह रहे हैं कि आप नेता विपक्ष की जिम्मेदारी उठाएं। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए रेसु जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब से राहुल गांधी जी ने अपना पैर पसारा है और जितने बार चुनाव लड़ने की कोशिश की। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ रिशु जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जितने चुनाव हुए, चुनाव हारते ही गई कांग्रेस। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इस बार जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में जितना इनका वोट आया, जितना इनसे वोट आया, आज भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार 2019 में 25 करोड़ वोट थे, आज हमारे पास 24 करोड़ लगभग हमारे पास वोट हैं। तो हमने कहीं वोट में परसेंटेज नहीं घटा, लेकिन मैं एक बात कांग्रेस की बड़ी बात करना चाहता हूँ। सीटें तो घट गई ना सर, सीटें तो घट गई ना। आप तो कह रहे थे कि राहुल ना वायनाड से आ पाएंगे ना रायबरेली से आ पाएंगे, वो तो देखिए दोनों जगह से आ गए। रिशु जी मैं कह रहा हूँ 2014 में 44 सीट आया, 2019 में 52 आया, इस बार 99 आया, टोटल 195 सीट आया। लोकसभा तीन बार चुनाव लड़ने के बाद राहुल गांधी 195 आया, भारतीय जनता पार्टी के भी आज भी 240 सीट आया। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, तीन बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 272 के लगभग, ठीक है ना? ठीक है, अभी तक तो क्योंकि आप लोग लगातार ये कह रहे थे ना कि राहुल गांधी तो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं, कितनी बार उनको लॉन्च करने की कोशिश की गई लेकिन लॉन्च नहीं हो पा रहे। लेकिन अब देखिए ना, अब मुख्य भूमिका तो आपके सामने वही उठा बनते हुए नजर आएंगे, राहुल विपक्ष की आवाज बनते हुए नजर आएंगे। देखिए इनकी प्राइवेट पार्टी है, इंडी गठबंधन में चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव की बात कर ले, लालू जी ने तेजस्वी को आगे कर दिया, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आगे कर दिया, सोनिया जी ने राहुल गांधी को आगे कर लिया, शरद पवार ने अपने सुप्रिया सुले के आगे कर दिया। ये लोग की अपनी पार्टी है, कोई भी कुछ कर सकते। लोकतंत्र ने जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया। मैं तो कह रहा हूँ, तीन चुनाव लड़ने के बाद भी 195 नहीं आया और आंकड़ा ये लोग नहीं पार कर रहे हैं 272 का। तीन चुनाव लड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का एवरेज देखिए, आज भी 272-273 का एवरेज है। हम लोगों ने जनता का जनादेश मिला है, ठीक है ना? लेकिन आपकी नैया भी तो सहयोगियों के साथ ही इस बार पार हो पा रही है, अकेले दम पर तो आप भी कुछ नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर। और जितनी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, दावे तो आपने भी तमाम बड़े बड़े किए थे, बीजेपी 370 पार, NDA 400 पार, तो वो चीजें तो कहीं ना कहीं आप भी देखिए ना कि उत्तर प्रदेश में आप कहाँ थे, कितनी सीटों पर थे और आप कितनी सीटों पर आप सिमट गए हैं। कुछ चिंताएं, कुछ मंथन करने की आपको भी आवश्यकता है राकेश पोद्दार जी, क्योंकि
शायद आपने विपक्ष को बहुत हल्के में ले लिया था। मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें मोहम्मद एहतेशामुल हक जी, क्योंकि बीते दो लोकसभा चुनावों से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पार्टी इस बार सम्मानजनक सीटें जीतने में कामयाब हुई है, और पार्टी की इस जीत में उसके नेता राहुल गांधी की भूमिका काफी अहम बताई जा रही है। ऐसे में अब पार्टी ने राहुल गांधी के सामने एक बड़ी मांग रख दी है। पार्टी कार्य समिति ने कहा है कि उन्हें अब अहम पद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुल मिलाकर 10 साल बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिलने वाला है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। सर, आप गठबंधन के साथी थे पर बंगाल में चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। राहुल अगर इस जिम्मेदारी के लिए हाँ कर देते हैं तो साथ देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, ऑफकोर्स हम लोग साथ देंगे। देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन में हम लोग अलायंस में है, और तो ये बहुत भी समझ लिए कि खुशी का लम्हा है। ये 10 साल में हमारे समझ लिए कि हम समझते हैं कि राजनीति में किसी को भी कम आंकना बहुत भूल होगी रेशु त्यागी जी, इसलिए कि हमारे जो मित्र अभी राकेश पोद्दार जी कह रहे थे, तो जिस हिसाब से किसी भी अपोजिशन को मतलब भारतीय जनता पार्टी जैसा पार्टी जो है किसी को मतलब समझा ही नहीं, लेकिन आज देखिए कि वो हर जगह जो पूरे अपने 75 दिन का कार्यकाल में उन्होंने भाषण में दिया है मोदी जी, हर जगह मोदी जी का मतलब बैनर लगा हुआ था, और कहीं का भी एनडीए शब्द का उच्चारण किया हुआ नहीं था। हमें दुख इस बात की है कि पूरे 75 दिन के कार्यकाल जो इलेक्शन में जो हुआ है डे वन से लेकर के मतलब मोदी की गारंटी है, कहीं पर वो इंडिया सबके सॉरी एनडीए सबको भूल गए थे। तो इसलिए अभी समझ लिए कि ये अभी जो हमारे राकेश पोद्दार ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को मैंडेट हमारे 25 करोड़ लोग जनता दिया है, तो देखिए बीजेपी मतलब कहीं न कहीं समझ लिए कि मतलब जबरदस्त तरीके से लॉस हुआ। उन्होंने बहुत बड़ा एक स्लोगन दिया था कि आपकी बात 400 के बाद, तो जनता ने देखिए सबसे। और दो एक बात मैं कहूंगा मैं रेशु त्यागी जी कि प्रभु समझ लिए अयोध्या हारे, ठीक है ना, रामटेक हारे, चित्रकूट हारे, रामेश्वरम हारे, नासिक हारे, तो हम समझते हैं कि मतलब मैं प्रभु श्री राम जी ने इनके अहंकार को तोड़ा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल थे जहां से मैं आप ही की बात पूरी कर रही हूं, आप कह रहे हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल थे जहां से इन्होंने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करा था वो सारी सीटें यहां पर हार गए, यानी कि कहीं ना कहीं ये कहते थे कि राम के अस्तित्व को आप लोग नहीं मान रहे हैं, अब राम ने इनको नकार दिया, यही कहना चाहते हैं ना? जी जी, प्रभु श्री राम जी ने इनके अहंकार को तोड़ा। हमें गर्व है कि अयोध्या के लोग राम भक्त है, अंध भक्त नहीं है। तो देखिए ये डेमोक्रेटिक है, ठीक है। राकेश पोद्दार जी, आप लोग कहते थे कि आप राम को लाए हैं लेकिन राम आपको नहीं लाए, क्या कहेंगे? रिशु जी, हमारा 1990 से घोषणा पत्र में बार बार था कि प्रभु श्री राम का मंदिर हम लोग बनाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया, एक नागरिक के तौर पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ। हम लोगों ने प्रभु श्री राम का नाम का इस्तेमाल नहीं किया। अगर राम का नाम का इस्तेमाल करते तो हम लोग 400 के पार जाते। हम लोगों ने विकास का नाम का इस्तेमाल किया, जिस कारण से हम लोगों को आज भी सरकार में सत्ता बनाने का। राकेश पोद्दार जी, आज के समय में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो रिकॉर्ड नहीं हुई होती है। यूट्यूब को आप जरा उठाकर देख लीजिए कि चुनावों में आपने तो पूरा चुनाव ही राम के सहारे लड़ा है। और राम छोड़िए, आप तो राम को लाने की तो बात कर ही रहे थे कि हम राम को लाए हैं, आप तो सीता को भी लाने की बात बिहार में कर रहे थे। देखिए वो मेरा कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है मंदिर बनाना। आज भी हमारे घोषणा पत्र में प्राण प्रतिष्ठा लिखा हुआ है, हमने कहा कि सीता माता का भी मंदिर बनेगा, राम का भी मंदिर बना, जनता का जनादेश का हम लोग सम्मान करते हैं। और बात रही, आज बात करते हैं राहुल गांधी की, बात चल रही चर्चा राहुल गांधी की चल रही थी, मैं पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा में कितने दिन उपस्थित रहे 10 साल के लोकसभा के चुनाव सदन के अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी कहते थे आप उनको बोलने ही नहीं देते थे, उनका माइक बंद कर देते थे। मैं आऊंगी, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। सुन लीजिए ना मेरी बात जी, मैं राकेश पोद्दार जी वापस से आऊंगी, क्योंकि देखिए डिबेट खत्म हो जाएगी और ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनको बोलने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा, तो ये अच्छा नहीं है। जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि तमजीद अहमद जी, पिछले 2 बार के चुनावों में कांग्रेस को निराशा हाथ लगी और उस हार का ठीकरा राहुल के माथे जड़ा गया। अब जो संतोषजनक नतीजे आए हैं उसका क्रेडिट भी राहुल को मिल रहा है। पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसद राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। राहुल ने हालांकि थोड़ा समय मांगा है, पर अगर राहुल हाँ करते हैं तो जिम्मेदारियां और चुनौतियां दोनों और अधिक बढ़ जाएंगी। पूरे विपक्ष को साथ लेकर चलना भी इतना आसान नहीं होगा।
देशु जी, कहीं कोई ना चुनौती है ना कोई कोई मुश्किल है, और निश्चित रूप से ये फैसला राहुल जी को खुद को करना है, और जो भी उनका फैसला होगा हम सब उनके साथ हैं। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है नेता विपक्ष, ये मसला भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये इनके इन पकड़े सत्ता हासिल करना इनका मकसद है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए विषय हो सकता है, हमारे लिए कोई बड़ा विषय नहीं है। जो भी नेता विपक्ष बनेगा वो जो भी मुद्दे हैं उसी की लड़ाई सदन में लड़ेगा। मेन जो मुद्दे हैं जो हम लोगों ने खाका खींचा है, निश्चित रूप से सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होने जा रहा है कि जो 30 लाख करोड़ रुपए की लूट सरकार बनने के जस्ट पहले शेयर मार्केट में की गई, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है, उसकी जेपीसी की हम मांग कर रहे हैं। मुद्दे बड़े हैं, पद बड़ा नहीं है हमारे लिए, पद कोई भी रहेगा लेकिन हम मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। फिर उसके बाद जो इनके सामने सवाल मुबाए खड़े हुए हैं, अग्निवीर योजना कब ये रद्द करेंगे, उसके बाद जो सवाल इनके सामने मुबाए खड़ा हुआ है इस वक्त की कब देश के अंदर जाति जनगणना ये करवाएंगे, तो ये सारे मुद्दे जो है देश के वो सब इनके सामने खड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन दल बहुत मजबूती के साथ इनको घेरने का काम करेगा, और हम तो घेरेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी के जो इनके साथी वो भी इनको घेरने का काम करेंगे। ठीक है, कहीं से भी इनको राहत मिलने वाली नहीं है। ठीक है राकेश पोद्दार जी, आपको राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं सर आऊंगी, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ, तमजीद अहमद जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ सर, जवाब तो लूंगी ना एक एक करके। ठीक है, आप कंटिन्यू करते रहिए, फिर सर कंटिन्यू करते रहिए। इतना तो हमारा अधिकार जनता ने हमको, बिल्कुल आपका अधिकार है सर, बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन जो जो आपने सवाल किए हैं, जो आपने सवाल किए हैं अहमद जी, मैं उन्हीं का, अच्छा ठीक है आप पूरा कर लीजिए, झगड़ा मत करिए सर, पूरा कर लीजिए। अरे तो आप ही के सवालों का जवाब दे रही हूँ ना, मैं आप ही के सवालों का जवाब दे रही हूँ, मैं तो आप ही की बात कह रही हूँ। आपने जो प्रश्न उठाए हैं अहमद जी, आपने जो प्रश्न उठाए हैं उन्हीं का जवाब ले रही हूँ। ठीक है, आप पूरी पूरी बात कीजिए सर, पूरी बात कीजिए, धैर्य के साथ, धैर्य के साथ आप पूरी बात रख लीजिए, विवाद मत करिए, चलिए पूरी बात कर लीजिए। निश्चित रूप से बहुत बड़े प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो रखे, उनका जवाब आगामी सदन सत्र में इनको देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की ये करारी हार है, जो भी एक सांसद भी जीतता था, एक अगर सभासद भी जीतता था, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को देते थे। आज इस हार का ठीकरा अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी के सर पे इन्होंने अभी तक नहीं फोड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की हार है, सीधी सीधी ये करारी हार प्रधानमंत्री मोदी जी। और एक बात और रेशु जी, मैं खत्म कर दे रहा हूँ 10 सेकंड में कह के, ये 10 साल के अंदर नेता विपक्ष नहीं मिल पाया, नंबर की वजह से नहीं मिल पाया, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार की संकीर्ण सोच का नतीजा था। भारतीय ठीक है, नंबर हमारे पास नहीं थे, ये बात सही है, लेकिन अगर इनकी सोच बड़ी होती ना, तो ये निश्चित रूप से ये अधिकार देते विपक्ष को, और विपक्ष का नेता बनने का अधिकार देते। प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, राम मनोहर लोहिया जी को हराया करते थे फूलपुर से, और उसके बाद उनको राज्यसभा में लेके जाया करते थे, ये हमारे लोकतंत्र की महानता थी, जिसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। निश्चित रूप से मान के चलिए कि आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है, ये जब तक अपने घमंड और गुरूर की भाषा बोलना नहीं छोड़ेंगे, इस देश की जनता इनको माफ करने वाली नहीं। अभी भी इनकी जो ठीक है सर, मुझे जवाब पूरी तरीके से घमंड, ठीक है अहमद जी जवाब लेने दीजिए। पोद्दार जी, जिन बातों को अभी यहाँ पर कहा है अहमद जी ने, जरा उन पर जवाब दे दीजिए। एक तो वो कह रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से पीएम की करारी हार है और ये जीत नहीं है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेपीसी की मांग तो हम यहाँ पर तो उठा ही रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना कि राहुल ने किस तरीके से इस मुद्दे को मुखरता के साथ उठाया। वो कह रहे हैं कि अभी तो आने वाले समय में भी आप ये भी देखेंगे कि जो आपके सहयोगी हैं वो भी आपके खिलाफ मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे, और देखिए इसका प्रारंभ तो कहीं ना कहीं हुआ, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा राकेश पोद्दार जी, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर जहां विपक्ष इंडी गठबंधन पहले से ही लगातार प्रचार प्रसार कर रहा था, तमाम मंचों पर इस बात को रख रहा था, वहीं आपके सहयोगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि एक बार अग्निवीर योजना जो है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए रेशु जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अहंकारी में नहीं रहता ना, देश के प्रधानमंत्री अहंकारी में रहता, प्रधानमंत्री हमेशा हाथ जोड़ के सभी से विनती करते रहते हैं और कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, सेवा करने आया, मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब के माँ के पेट से जन्म लिया हूँ। उसी बात इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मैं कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जब ये 44 सीट लेके आए थे 2014 में, देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष में बैठने के लिए इनको मौका दिया था, और विपक्ष में कहा था कि आप बैठिए और सकारात्मक राजनीति कीजिए देश के अंदर, देश में जो मुद्दे हैं सकारात्मक कीजिए। फिर जाति जनगणना पे आते हैं, जाति जनगणना पे प्रधानमंत्री ने बिहार में सपोर्ट किया था और कहा कि आप अपने प्रदेश में कराना चाहते कराते हैं, लेकिन मैं
अलग से बात करना चाहता हूँ जाति जनगणना पे, जातिवाद पे। इन लोगों का क्या मनता है कि जातिवाद करके देश को बंटवारा करें। आप बताइए, बिहार के अंदर माई समीकरण है, मुस्लिम और यादव है, उत्तर प्रदेश आज ये पीडीए समीकरण बना दिया। क्या पीडीए और माई समीकरण से देश का भला हो सकता है? हमारा अंतिम पंक्ति में बैठे जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, चाहे हमारे अंतिम पंक्ति में बैठे महादलित बैठे हुए, क्या उसका भला हो सकता है? ये लोग देश को बांटने वाले हैं। हमारे देश को जब अंग्रेजों ने बंटवारा किया था तो ही उनका मुद्दा था, ही मुद्दे से आज भी ये देश को करना चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि शेयर मार्केट से पार्टी को क्या लेना देना, भारतीय जनता पार्टी या सरकार। शेयर मार्केट तो बाजार है, उसमें उछाल होता है, नीचे गिरता है, फिर उछलता है, उससे हम लोगों की क्या लेना देना। लेकिन शेयर खरीदने के लिए किसने कहा था पोद्दार जी? जी, शेयर खरीदने के लिए कौन आवाज उठा रहा था मुखरता से? नहीं, शेयर खरीदना वो तो बिजनेसमैन का काम है, कारोबारियों का काम है। हाँ। उसमें हम लोगों को सरकार को क्या लेना देना। हाँ। इन्होंने शेयर मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट गिर गया, उछल गया, क्या हुआ उससे नहीं। आप हमसे लोकतंत्र है। मैं दोनों के पास आऊंगी, अहमद जी आपके पास भी और एहतेशामुल हक जी आपके पास भी, इस पर आप दोनों ही कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश पोद्दार जी, जरा इसी पर चर्चा कर लेती हूँ पहले, क्या कुछ कहेंगे इस बात पर एहतेशामुल हक जी? पहले देखिए, सबसे पहले मैं राकेश पोद्दार जी को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सीखे इनसे फिसलना, जो जबान इनकी फिसल रही है। अभी उन्होंने कहा कि माँ के पेट से मोदी जी पैदा हुए हैं, और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं स्वयं यहाँ पैदा हुआ हूँ। तो ये कितनी बड़ी ये वाली बात है कि ये अभी इस तरह की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं गरीब का बेटा हूँ, अब मैं थैला उठा लूंगा। देखिए, अभी मोदी जी के लिए मैं एक बात स्पष्ट रूप से रेशु त्यागी जी मैं कहना चाहता हूँ कि चुनौतियों से भरा हुआ दिन है ये। इस तरह जिस तरह से हमारे किसान आंदोलन में हमारे लोगों, माँ बहने जो बैठी हुई थी, उनको पूरे दिल्ली को चारों तरफ से कांटों से घेर दिया गया था, किल से घेर दिया गया था, ताकि कोई भी आंदोलनकारी दिल्ली नहीं पहुंच सके। तो मैं ये वापस जो है इनके लिए ताज भरा हुआ, जो कल आगामी कल या परसों वो शपथ लेंगे, तो उनसे कांटों भरा हुआ ताज है, उनको भी उसी हिसाब से चलना होगा। जो बोएगा मोदी जी, जो बोया था वही काटने का दिन आ रहा है, ये समझ लिए। दो पहिया लेकर के, दो बैसाखी लेकर के सोच लिए कि आज इतनी बड़ी बदनसीबी है इनकी कि ये मोदी मोदी, ये मोदी की गारंटी है, लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारे एक ने इनके समझ लिए कि बिहार के मुख्यमंत्री के एक बैसाखी हो गया, एक चंद्रबाबू का नायडू हो गया। अब बैसाखी के सहारे है तो वो कांटों जब बोए थे तो वो कांटा का समझ लिए इनको काटना होगा। ये इनके लिए जो आसान नहीं है, और वो बड़ी बड़ी जो बात कर रहे थे तो समझ लिए कि जनता ने दिखला दिया 2024 का इलेक्शन में कि जनता ठीक है। राकेश पोद्दार जी, बैसाखियों के सहारे चलेगी एनडीए सरकार, इस पर जवाब लूंगी, इस पर आपसे जवाब लूंगी। लेकिन तमजीद अहमद जी बहुत देर से हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनकी बात पूरी सुन लेते हैं। अहमद जी देखिए, कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं आप पोद्दार जी बैठ के। अभी यही मैं कह रहा था, यही गुरु घमंड की बात है। रेशु जी, आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि शेयर मार्केट बूम करेगा, नहीं कहा था इस बात को? गृहमंत्री जी ने इस बात को नहीं कहा था कि ये सही समय है शेयर खरीदने का? नहीं कहा था इस बात को? वही सवाल मैंने पूछा भी। नहीं कहा था कि शेयर मार्केट खरीदने का ये सही टाइम है? क्या ये गलत बात है? जिसका नतीजा रहा है, लोगों ने इनकी बात में विश्वास हुआ और रिकॉर्ड खरीद फोक्त हुआ, और जिसका नतीजा ये रहा कि 30 लाख करोड़ रुपए गरीब का, जनता का पैसा इन्होंने लूटने का काम किया है। सरकार आने तो दीजिए, संसद में काम तो करने दीजिए। इस मुद्दे में बहुत जबरदस्त घमासान होने वाला है। गरीबों का पैसा लूटने नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने शह दिया, जिस तरीके से लोगों को इन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप लोग शेयर मार्केट में लगाए, इनको सच्चाई पता थी कि इनकी सीट कितने आने वाली है, ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से ये बच नहीं पाएंगे। इनको संसद में आके जवाब देना पड़ेगा, इनको जेपीसी करानी पड़ेगी। दूसरी बात और कह दे रहा हूँ, ये देश का लोकतंत्र ही है जिसके जरिए मजबूरी में सही प्रधानमंत्री जी को संविधान के सामने नतमस्तक होना पड़ गया। ये वही संविधान है जिसको खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार कर रहे थे कि संविधान की हत्या कर देंगे। ये देश की महान जनता है, देश का लोकतंत्र है, जिसने मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को जाके और संविधान के सामने नतमस्तक होने के लिए। लेकिन ठीक है, आपका असली चेहरा देश की जनता जानती है कि आप इस बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते थे। आपके नेताओं की मंशा थी कि इस बाबा साहब के संविधान को खत्म होने देना है। लेकिन राहुल गांधी जी, पूरे कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन दल ने आपको दिखला दिया कि ये देश बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा, और आपको उसके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, और नतमस्तक करा दिया है। आने वाले दिनों में बहुत सारे मुद्दों पर इन्हें यूटर्न लेना पड़ेगा। ठीक है, आने वाले दिनों में कई मुद्दों पर आपको यूटर्न लेना पड़ेगा। संक्षेप में जवाब देते हैं राकेश पोद्दार जी।
चंद्रबाबू नायडू जी ने आंध्र प्रदेश में वादा कर रखा है कि मुंबई घाटी को 4% आरक्षण देंगे, इमामों को पेंशन देंगे, वहां पे एक हज हाउस खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने इतनी मुसीबतें खड़ी है कि अभी इनको जवाब देते हुए नहीं बनेगा कि चंद्रबाबू नायडू के साथ है या चंद्रबाबू के खिलाफ है। अभी तो जवाब दे दीजिए, अभी कोई मुसीबत नहीं है, अभी कोई मुसीबत नहीं है, अभी फिलहाल जवाब देने दीजिए, संक्षेप में जवाब दे दीजिए राकेश पोद्दार जी, समय का अभाव है। रिशु जी, संविधान कोई खतरे में नहीं है, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता रहेगा, 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल देश के प्रधानमंत्री, संविधान कहीं खतरे में नहीं है। बयान दिया भाई कि संविधान की हत्या कर देंगे, हमारी सरकार ने बयान दिया कि संविधान की हत्या कर देंगे, हम काहे राज कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांगते रहे, संविधान खतरे में, संविधान की हत्या करने की बात करेंगे हम देश के अंदर, इस देश के अंदर संविधान को खत्म करने की बात करेंगे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय का अभाव है, माफी चाहेंगे फिलहाल, पक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।